प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स, जैसे कि आप जानते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर की एंड हो गई थी, चैप्टर समाप्त हो गया था। तो आइए एक फिजिक्स में, ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नए चैप्टर की शुरुआत में जरा हम लोग देखते हैं कहां हम लोग को पढ़ना है, अभी आगे का चैप्टर कहां है। तो ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोग टोटल 6 खंड पढ़ना है। अभी हम लोग खंड 2 में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, खंड का नाम है धारा विद्युत। अब धारा विद्युत खंड में तीसरा चैप्टर, चूंकि अभी जस्ट हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो अभी हम लोग को पढ़ना है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है, प्यारे छात्रों, विद्युतीय यंत्र। यंत्र का मतलब मशीन, ऐसा मशीन जो विद्युत में काम आने वाला होता है, उसी का नाम है विद्युतीय यंत्र, विद्युत में काम आने वाले मशीन। अब विद्युत में आने वाले काम कौन कौन से मशीन है, जरा इसका भी चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, और चैप्टर बहुत छोटा है। हालांकि हम लोग 3 ही 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि इस चैप्टर में स्पेशल हम लोग विद्युत में प्रयोग होने वाला, इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग होने वाले, प्यारे बच्चे, हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। और 2 3 4 मशीन ही है हम लोग को जो इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहला काउंट करवाते हैं, पहला है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर भी मेरा एक यंत्र है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसका कैसा बनावट होता है, इसको बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, इसका फिगर कैसा बनता है, ये क्या काम करता है, इसका क्या गुण है, सब चीज के बारे में। इसीलिए हर एक टॉपिक जो है ना लंबा हो जाता है। अच्छा, पहला पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, इसको चल कुंडली गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है, पूरा नाम चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है। दूसरा पढ़ेंगे संट के बारे में, हालांकि आप नाम थोड़ा सा नया सुन रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे कि संट भी एक तरह का डिवाइस है, यंत्र है, मशीन है, जो हर सर्किट में लगा हुआ रहता है। अब संट के बारे में सवाल भी पूछता है, तो संट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस चैप्टर में मात्र 4 टॉपिक है प्यारे बच्चों, पहला गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना, दूसरा संट के बारे में पढ़ना, तीसरा एमिटर के बारे में पढ़ना, एमिटर जिससे विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है, उसका यंत्र है जिसका नाम है एमिटर, जिसमें एम्पियर डिनोट्स किया जाता है और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो एमिटर। और फिर एक लास्ट है वोल्टमीटर, यानी कि 4 तरह का डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, सेंट, एमिटर और वोल्टमीटर, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट, पहला संट पूछता है, फिर पूछता है एमिटर, और फिर वोल्टमीटर भी पूछता है। यानी कि सबके बारे में ये पढ़ेंगे कि उसका बनावट कैसा होता है, वो काम क्या करता है, उसका गुण क्या है, उसका फिगर कैसा बनता है, सबके बारे में, एमिटर के बारे में, वोल्टमीटर। तो ये कुल मिलाकर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, अगर 1 दिन में 1 टॉपिक्स भी करें तो लगभग खत्म हो जाएगा 1 चैप्टर। तो प्यारे बच्चे, इसमें हम लोग सिर्फ यंत्र के बारे में जानेंगे, फिगर बनाएंगे, उसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे की टॉपिक्स देंगे इस चैप्टर में। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यहीं से शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को पढ़ना, या स्टार्टिंग पॉइंट है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर जब किसी कुंडली को प्रबल एवं अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है, कुंडली पर एक बल कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लाने का चेष्टा करता है
लंबवत लाने का चेष्टा करता है। प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि होता क्या है ना, सबसे ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान में, जैसे मान लिया कि ये एक चुंबक है और ये एक अलग चुंबक है, चुंबक का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है और इसी चुंबकीय क्षेत्र में आपको एक कुंडली को लटकाना है, एक वायर से बांधकर और एक कुंडली को लटकाएंगे तो आप पाएंगे कि कुंडली स्थिर नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के वजह से वो हमेशा बल लगने के वजह से ये घूमने का प्रयास कर रहा है। अब जरा उसका हम लोग फिगर देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो बनावट है उसका फिगर कैसा होता है। तो यही है प्यारे बच्चों चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को जरा बढ़िया से समझेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर में क्या क्या, इसका बनावट करने के लिए आपको क्या क्या सब क्या क्या चीजें डिनोट्स की जा रही है। इसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर या फिर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब जरा इसको बढ़िया से देखिए, तो ये एन और एस जो है एक चुंबक को बता रहा है। अच्छा, चुंबक क्यों दोनों तरफ से ला रहे हैं, क्योंकि एक इधर से है नॉर्थ पोल चुंबक का और दूसरा साउथ पोल। ऐसा करने से इसके बीच का जो एरिया है प्यारे बच्चे, यहां पर ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, दोनों तरफ चुंबक रखा गया हुआ, हाई पावरफुल चुंबक, यानी कि हाई शक्ति वाला, ज्यादा से ज्यादा शक्ति वाला बड़ा से बड़ा चुंबक रखा गया है, क्योंकि ज्यादा अगर पावरफुल अगर चुंबक रखेंगे तो उसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। तो इसके बीच में एन और एस चुंबक है, इसको रखने से यहां पे बीच में ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि एक बीच में लोहा के रड है, लोहा के मोटा सा रड है जिसको आई बोल रहे हैं, आई को क्रोड भी कहते हैं, आई को क्रोड, क्रोड का मतलब बीच का भाग, यानी कि ये जो है, हम इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं, यहां पे आई बोला जा रहा है सेंटर पे, जो क्या है, एक लोहे का बेलनाकार रॉड है, और इस लोहे के बेलनाकार रॉड पे आपको आयताकार के फॉर्म में चारों तरफ से तार लपेटा गया है, देख पा रहे होंगे, एक छोर बेलन के नीचे की ओर एक स्प्रिंग को लगाकर जोड़ दिया गया है, यानी कि जब भी हम लोग वायर लपेटेंगे इस पे ऐसे ऐसे, तो एक छोर इधर होगा और एक छोर इधर होगा, दो छोर होगा, या फिर हम लोग पढ़े थे ना कि अगर इस पे अगर लपेटेंगे तो ऐसे 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 लपेटेंगे तो एक छोर इधर होगा और एक छोर इधर होगा, वैसे ही इस पे भी दो छोर होगा। जहां से लपेटना स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग वाले छोर को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है और उसी तार को एक फ्रेम पर लपेटा गया है, फ्रेम पर, फ्रेम का मतलब जैसे मान लिया कि एक प्लास्टिक का फ्रेम है, इसको रखे तब फिर इस पे लपेटे, फिर रखे तो फिर इस पे लपेटे, याद रहे एक का मतलब फ्रेम है, एक तरफ छोटा एफ भी लिखा हुआ है और एक बड़ा एफ भी लिखा हुआ है। अब बड़ा एफ का मतलब समझिए कि वो फेरों की संख्या है, यूं बोले तो, यानी कि तार का फेरों की संख्या। जब हम लोग तार को एक आयताकार के फॉर्म में लपेटेंगे तो आयताकार का चार कोण बनेगा, ए बी सी डी, ये क्या बन रहा है, तो एक कुंडली का नाम है, ए बी सी डी कुंडली बन रहा है, और कुंडली के एक स्टार्टिंग छोर को हम लोग स्प्रिंग से जोड़ रहे हैं और एक छोर को यहां पे जो एम लगाया गया है ये है प्यारे छात्रों दर्पण। सब बताते हैं कि दर्पण काम क्या करता है, और एक एफ है, यहां से लेकर यहां तक के एफ है, और एफ का मतलब दुनिया का जो सबसे पतला तार है वो यूज किया गया है, और उसका नाम याद रखिएगा, सबसे पतला तार है जिसका नाम है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, यानी कि बहुत ही पतला तार है जिसका नाम है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, इस दर्पण एम के साथ उसको बहुत पतला तार से जोड़ दिया गया है, इसलिए जोड़ दिया गया है, उसका भी कारण है बताएंगे, यानी कि सबका मीनिंग समझिए, एम का मतलब दर्पण, एफ का मतलब फॉस्फोर ब्रॉन्ज का सबसे पतला तार, और यहां पे ये जो चीज है इसको टी से सूचित किया जाता है, टी बता रहा है तार में जो ऐंठन प्राप्त हो रहा है, ऐंठन, कभी भी रस्सी को जब हम लोग ऐंठते हैं तो उसमें जो ऐंठन प्राप्त होता है वही दिखा रहा है कैपिटल टी। अब सबसे
अहम बात कि सबके बारे में तो सीख गए क्या क्या है और सबका काम है क्या काम है और जरा इसमें गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है वो समझिए। सबसे पहले ऑलरेडी ये जो पार्ट है चुंबक तो रहेगा ही रहेगा, हाई पावरफुल वाला चुंबक है जो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। इसमें जो आयताकार कुंडली है इस स्प्रिंग के तरफ से हम लोग जैसे ही करंट देंगे विद्युत धारा, जिससे ही सुन रहे हैं करंट देना है, जैसे ही यहां से करंट देंगे तो होगा क्या, फटाफट चारों तरफ कुंडली में घूमकर यहां एम है दर्पण से होते हुए भास्पोर ब्रॉन्ज से होते हुए यहां पे ऐठा होता है। अब होगा क्या कि जैसे ही यहां से आप करंट देंगे ना तो कुंडली चूंकि आयताकार है, जरा समझिए ये कुंडली आयताकार है ऐसे है ठीक है, आयताकार कुंडली है और इधर भी चुंबकीय क्षेत्र है इधर भी चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे ही हम लोग करंट दे रहे हैं ना प्यारे छात्रों, तो अब हो क्या रहा है ये कुंडली में बल कार्य करने लग रहा है, कब जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब। अब हो क्या रहा है ना कि ये हमेशा एक उधर फोर्स लग रहा है तो एक बाहर की तरफ, यानी कि ये बल ऐसे ऐसे कार्यशील करने के बाद ये कुंडली ऑटोमेटिक घूमने लग रहा है, ऐसे 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 होने लग रहा है, ऐसे ऐसे होने लग रहा है। और यही सब चीज पढ़ेंगे ना प्यारे छात्रों तब हम लोग जनरेटर पहुंचेंगे कि विद्युत जनित्र कैसे काम करता है ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर में जो ट्रांसफार्मर का क्या भूमिका है, यही से स्टार्ट होता है वो काम, यानी सब में चुंबक का रोल है। चुंबक अगर नहीं रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तब फिर हम लोग का जो वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं वो टॉर्क घूमेगा नहीं। यानी कि इसके बीच में जो आयताकार कुंडली है ना वो घूमना स्टार्ट कर देता है कब, जैसे ही करंट देते हैं तब। यानी कि एन और एस चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी है इसमें जो कुंडली है और जैसे ही करंट दे रहे हैं तो जैसे घूमना स्टार्ट कर दे रहा है और घूमना स्टार्ट कर दे रहा है और इसके ऊपर एक फास्फोर ब्रॉन्ज का तार, बहुत पतला तार लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐठन पड़ सके और जितना ज्यादा अगर ऐठन पड़ेगा उसको रीडिंग करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए दर्पण का इस्तेमाल किया गया है। दर्पण काम करता है उसका इमेज बनाने का कि उसमें कितना ऐठन पड़ रहा है। प्यारे बच्चों जितना अगर ज्यादा से ज्यादा ऐठन पड़ेगा उतना से गैल्वेनोमीटर का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। यानी कि जैसे इसमें आई करंट देते हैं तो ये कुंडली काम क्या करने लगता है, घूमना स्टार्ट करने लगता है उस चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबक स्थिर है उसके बीच में जो कुंडली है वो ऐसे ऐसे घूमने लगता है और जैसे ऐसे ऐसे घूमता है तो यहां फास्फोर ब्रॉन्ज, चूंकि इसीलिए पतला तार लगाया गया है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इसको सही से सही रीडिंग कर सके, बहुत पतला तार का यूज किया गया है और यहां ज्यादा से ज्यादा ऐठन पड़ सके और इसको रीड करने के लिए दर्पण का यूज किया गया है। मतलब वैसा सिस्टमेटिक तरीके से और मशीन में यूज किया रहता है यहां पे हम बता नहीं सकते हैं, बस सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि क्या क्या लगा हुआ रहता है, क्या क्या किसका किसका काम है। क्योंकि आपको लग रहा हो कि सर दर्पण यहाँ है तो इमेज कैसे बन जाएगा, तो ऐसा फिट रहता है कि ऐसा ऐठन जहां पड़े उसका मिरर दर्पण इमेज बनाए और फिर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, हमें दिखाई दे देता है वो रीडिंग कि कितना गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो पहले क्या करना है, इस फिगर को बना लेना है और उसके नीचे एरो देकर बनावट के बारे में हम लोग लिखेंगे, बनावट फिगर के नीचे बनावट लिखेंगे और बनावट के नीचे लिखेंगे बनावट में क्या क्या बनावट में यूज हुआ है, तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर में ए बी सी डी कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी ये वाला ए बी सी डी। एक आयताकार कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले विद्युत रोधी तार को फ्रेम कैपिटल एफ पर लपेटकर बनाई जाती है
फिर बनावट का सेकंड में लिखेंगे, बनावट का ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, बनावट का फर्स्ट पॉइंट, बनावट का सेकंड लिखेंगे कुंडली एबीसीडी को चुंबक के ध्रुव खंड एन तथा एस के बीच, चुंबक के दो ध्रुव खंड है, उधर एन है और ये एस है, एन और एस के बीच एक बारीक तार एफ ब्रैकेट में फास्फोर ब्रॉन्ज, एफ ब्रैकेट में फास्फोर ब्रॉन्ज द्वारा लटकी रहती है। फिर नेक्स्ट बनावट का तीसरा पॉइंट, कुंडली के थोड़ा ऊपर एक छोटा अवतल दर्पण, जी हां वहां दर्पण में कौन सा दर्पण यूज होता है गैल्वेनोमीटर में, याद रखिएगा अवतल दर्पण एम लगा रहता है, कैपिटल एम, अवतल दर्पण का यूज यहां पे एम है, कैपिटल एम लगा रहता है, जिसकी सहायता से कुंडली का विक्षेप पढ़ा जाता है। फिर लिखेंगे बनावट का चौथा पॉइंट, इसमें लिखेंगे कुंडली के सबसे ऊपरी भाग में जो ऐंठन प्राप्त होता है वो घूमने की वजह से, जैसे अभी बताया ना कुंडली घूम रहा है उसके वजह से वहां पे टी पे क्या आ रहा है, ऐंठन प्राप्त हो रहा है, क्या लिखे, जो ऐंठन आता है उसे कैपिटल टी द्वारा दिखाया गया है। चलिए तो अभी तक के, तो अभी हम लोग देखे कि गैल्वेनोमीटर का फिगर कैसा है, उसके बनावट में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी हम लोग बनावट को देखें। अब जरा गैल्वेनोमीटर के कुछ सिद्धांत भी है, कुछ फार्मूला भी है कि अगर इसमें कितना घूमेगा तो कितना बल कार्यशील होगा, कितना टॉर्क लगेगा, कितना बल से दोनों तरफ घूमेगा। जैसे अभी बताया ना कि जैसे ही करंट देंगे तो ये आयताकार कुंडली जो है घूमना शुरू हो जाएगा, तो आखिर कितना बल दिया जाए, कितना टॉर्क लगेगा, तो चलिए उसी को समझने के लिए फिर से हम लोग कुछ बात सीखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत। अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर ही टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर के ही बारे में पढ़ रहे हैं, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या सिद्धांत है। प्यारे बच्चे, जो ये एरो दिया गया है ये एक चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और इसमें एक आयताकार कुंडली है जिसका नाम अभी हम लोग पढ़े थे ABCD। इसमें अगर लंबाई का बात करें आयताकार कुंडली का, एल है और चौड़ाई क्या है, बी है। अब चौड़ाई बी है और जो लंबाई एल है, और जब भी वो घूम रहा है यानी कि आयताकार अगर कुंडली घूम रहा है ऐसे ऐसे, इसका मतलब इस पे आगे की ओर फोर्स लग रहा है और इस पे पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, यानी कि एक ऐसे जा रहा है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि एक आगे की ओर फोर्स लगेगा तो एक पीछे की ओर फोर्स लगेगा, तभी ना अगर मान लिया कि एक अंदर की ओर फोर्स लगेगा और ये बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो बार बार से ये घूमना स्टार्ट करेगा, फिर ये अपनी स्थिति में आएगा तो फिर आगे की फोर्स लगेगा और ये फिर आगे की फोर्स लगेगा, तो ऐसे कैसे करके घूमता रहेगा, यानी एक फोर्स को बताता है। और फोर्स कितना होता है प्यारे बच्चों, फोर्स होता है जितना करंट पास होता है और इसका जितना क्षेत्रफल होता है, यानी कि एल गुना बी, आई एल बी दोनों तरफ फोर्स क्रिएट होगा।
तो इसमें हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं कि बल आघूर्ण इसका कितना होता है। तो टॉर्क बराबर जो फार्मूला होता है, एक बल गुने आयताकार कुंडली की चौड़ाई। तो आयताकार कुंडली की चौड़ाई कितना है, एक बल कितना लग रहा है यहां पे F गुने कुंडली का चौड़ाई B। तो यहां तरह से देखा जाए कुंडली का चौड़ाई बोले तो B, यानी कि आई एल बी गुने, सॉरी यहां पे फोर्स गलती हो गया, यहां पे जो फोर्स लग रहा है ना वो B लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आई एल बी और आई एल बी, यहां पे चौड़ाई नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग बी बोल सकते हैं। टॉर्क कितना लगता है, तो एक बल गुने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या है, बी है। तो एफ यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, आई एल बी, तो यहां लिख दे आई एल बी गुना बी। अब चूंकि क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कुंडली क्या होगा, एल गुना बी। तो जहां जहां एल बी है वहां हम ए रख सकते हैं, ए का मतलब क्या प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल। तो जब हम लोग ए रखेंगे तो टॉर्क बराबर कितना आएगा, टॉर्क बराबर आएगा ए आई इंटू बी, फिगर मिटा देते हैं आप लिख लीजिएगा। अतः जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, आई तो आई रहेगा, एल बी के जगह पे हम ए पुट कर देंगे तो आई ए बी। प्यारे बच्चों आई का मतलब होता है विद्युत धारा, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल और बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद एक कंडीशन आता है, यदि कुंडली संतुलित अवस्था में हो तब, संतुलित अवस्था में हो तब। तेरे बच्चों अब संतुलित अवस्था का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम लोग फिगर बनाए थे तो कुंडली को यहां पे थीटा एंगल भी दिखाए थे, वो थीटा एंगल पे अगर संतुलित होता है यानी कि 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, संतुलित अवस्था का मतलब होता है उसमें एंगल का यूज होना, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल पे अगर कुंडली अस्टॉप हो जाए तब हम उसको बोलते हैं संतुलित अवस्था। अगर कोई संतुलित अवस्था में अगर कुंडली होती है तब उसमें जितना फेरों की संख्या है उसको सी थीटा के बराबर होता है, तब एन, एन का मतलब कुंडली में फेरों की संख्या, जितना टॉर्क लगा, जितना टॉर्क लगा वो होता है थीटा के बराबर, और सी मतलब स्थिरांक और थीटा। देखिए सी का मतलब बता रहा है कि कितना उसका नियतांक होगा, उसका कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जितना बल युग्म एक, यानी कि सी का मतलब होता है स्थिरांक जो एक बल युग्म को बतलाता है, सी का मतलब स्थिरांक जो एक क्या बता रहा है, बल युग्म को बता रहा है। थीटा का मतलब कितना एंगल से वो विक्षेपित हो रहा है, और एन का मतलब हुआ कि तार में कितना ऐंठन पड़ रहा है, फेरों की संख्या। तो अब जरा ये कब फॉर्मूला यूज करना है प्यारे बच्चों, जब संतुलित अवस्था में हो तब। तो संतुलित अवस्था में ये फार्मूला यूज करना पड़ता है, याद रख लीजिएगा। अब एन का एन रखें इनटू टाउ का फार्मूला कितना भी आया, आई ए बी बराबर सी थीटा। सी एक तरह का बल है जो स्थिरांक के वैल्यू जैसा दिखा रहता है, दिया रहता है, यानी कि एक स्थिरांक के जैसा इसका वैल्यू है। अब एन आई बी एन आई ए बी बराबर सी थीटा, यहां से अगर करंट का वैल्यू निकालेंगे तो करंट का वैल्यू कितना होगा, सी थीटा बटा आई का वैल्यू निकालना है तो एन ए बी को कहां लिखेंगे, नीचे, एन ए बी, एन ए बी नीचे चला जाएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं एन ए बी का मतलब क्या, एन ए बी का मतलब हुआ कि फेरों की संख्या, ए मतलब क्षेत्रफल और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। यदि के बराबर सी बार एन ए बी मान, यानी कि के जगह पे हम कितना मान रहे हैं, सी बटा एन ए बी, तो सी एन ए बी के जगह पे हम लोग के पुट कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पे जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा, के सी एन ए बी के जगह पे के रखेंगे तो इसलिए आई बराबर के थीटा। और सबके मतलब समझ रहा है, आई का मतलब विद्युत धारा और के मतलब स्थिरांक जिसका वैल्यू के का कितना होता है, तो सी बटा
एन ए बी, जहां सी क्या है, एक तरह का स्थिरांक है जो बल युग्म को बतलाता है, बल युग्म का मतलब कितना न्यूटन का बल लग रहा है, और एन का मतलब फेरों की संख्या, कुंडली में कितना फेरों की संख्या है, ए मतलब क्षेत्रफल और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो जो फार्मूला प्रूफ करके आता है गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत से, वो कितना प्रूफ करके आता है, आई बराबर के थीटा। इन चीजों को याद रखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं, जहां के को स्थिरांक बोलते हैं या फिर कहीं कहीं गैल्वेनोमीटर स्थिरांक भी बोला जाता है, गैल्वेनोमीटर स्थिरांक, इसको स्थिरांक भी बोल सकते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत को पढ़े। अब चलिए उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के गुण निम्नलिखित है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के गुण निम्नलिखित है। पहला यह बहुत सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब बताते हैं, सुग्राही यंत्र है। दूसरा, इसे किसी भी दिशा में रखा जाता है, रखा जा सकता है, इसे किसी भी दिशा में रखा जा सकता है। तीसरा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा थीटा के सीधा समानुपाती होता है, थीटा के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात आई समानुपाती थीटा। देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या आया है, आई बराबर के थीटा, तो यहां पे के क्या है, कांस्टेंट ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई समानुपाती थीटा, और जब समानुपाती हटेगा तो आई बराबर के थीटा होगा, यानी कि आई बराबर के थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो प्रवाहित कुंडली में विद्युत धारा है वो थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका पहला गुण लिखे कि ये बहुत सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब एक बोलते हैं ना छुई हुई पौधा, यानी कि छुओ तो मुरझा जाएगा, वैसा ही है, इसको जरा अच्छा से केयर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत पतले पतले तार का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो तार टूट गया तो हम लोग का यंत्र जो है खराब हो जाएगा। तो सुग्राही यंत्र का मतलब ये हुआ कि बहुत वो उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए, यानी कि बहुत कमजोर टाइप का ये यंत्र है, इसको अच्छा से केयर करके रखा जाता है किसी स्थान पे। और दूसरी बात कि इसको कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी दिशा में रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चुंबकीय सुई को अक्सर पोल के अनुसार उसके दिशा को ध्यान में रखकर उसका यंत्र को यूज किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट, ये जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो थीटा का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका क्या क्या गुण था, तो ये इंपॉर्टेंट तीन गुण है। अब चलिए अगर बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग बनावट की चर्चा कर लिए, गैल्वेनोमीटर का फिगर देख लिए। अब गैल्वेनोमीटर में अब धारा सुग्राहिता एक नया वर्ड है, गैल्वेनोमीटर में ही आता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग अलग टॉपिक करके पढ़ेंगे। हालांकि ये तो जो धारा सुग्राहिता है इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो अब लिखेंगे टॉपिक गैल्वेनोमीटर में धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। जरा इसके बारे में पहले एरो देकर लिखेंगे कि धारा सुग्राहिता क्या है। लिखेंगे यदि किसी गैल्वेनोमीटर में
यदि किसी गैल्वेनोमीटर में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कैपिटल आई, आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उसमें थीटा विक्षेप उत्पन्न होता है तो उसमें थीटा विक्षेप उत्पन्न होता है तो थीटा बाई आई को, तो थीटा बटा आई को, थीटा बटा आई को गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता कहा जाता है। अब जरा बात को समझिएगा प्यारे बच्चे, बहुत सिंपल है, नाम से खाली आपको प्रॉब्लम होगा कभी कभी सुन के कि ये धारा सुग्राहिता क्या है। तो धारा सुग्राहिता का मतलब ये समझना है कि जब थीटा में यानी कि कोण में आई से भाग करने पर जो राशि प्राप्त होता है वही गैल्वेनोमीटर का क्या प्राप्त होता है, धारा सुग्राहिता। जरा अब हम लोग धारा सुग्राहिता का मान निकालते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कितना धारा सुग्राहिता का मान होगा। चलिए, चूंकि उसके नीचे लिखेगा, चूंकि आई बराबर फार्मूला भी पढ़े, क्या पढ़े, सी थीटा बटा एन ए बी। चलिए, तो धारा सुग्राहिता को समझने के लिए हम लोग अभी ये प्रूफ कर चुके हैं कि आई बराबर सी थीटा बटा एन ए बी। अब हमें धारा सुग्राहिता का फार्मूला तब जाके प्राप्त होगा जब थीटा बटा आई होगा। तो हम लोग जो ये फार्मूला को निकालने के लिए आई को हम लोग नीचे ले जाएंगे और थीटा को ऊपर ले जाएंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो आई को अगर नीचे ले जाएंगे तो एन ए बी ऊपर आएगा, मतलब एन ए बी डिवाइडेड अपॉन सी। तो यहां ऐसा करने पे यहां क्या बन रहा है, थीटा बटा आई। तो अब यही थीटा बाई आई यानी कि ये जो फार्मूला सिद्धांत से हम लोग निकाले हुए हैं, यहां से आप प्यारे बच्चे थीटा बाई आई का वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता बोलते हैं। अब चूंकि धारा सुग्राहिता का वैल्यू क्या आ चुका है, थीटा बटा आई, तो थीटा बटा आई का फार्मूला क्या बना, एन ए बी बाई सी। तो इसलिए लिख सकते हैं कि धारा सुग्राहिता को हम लोग फार्मूला क्या होता है, धारा सुग्राहिता का मतलब होता है थीटा बटा आई, और थीटा बटा आई का मतलब एन ए बी बटा सी। तो इस तरीके से धारा सुग्राहिता का हम लोग व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं कि धारा सुग्राहिता का व्यंजक क्या आएगा, तो एन ए बी बटा सी, जहां एन का मतलब क्या है, एन का मतलब फेरों की संख्या, ए का मतलब क्षेत्रफल, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, राइट, और सी का मतलब बल युग्म यानी कि स्थिरांक। तो अब अक्सर सवाल आता है कि धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें, उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें। अब आवश्यक शर्तें में पहला लिखिएगा कि धारा सुग्राहिता कब बढ़ेगा, जब फेरों की संख्या बढ़ेगा। तो लिखेंगे पहला कि जब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि एन का मान जितना ज्यादा से ज्यादा होगा धारा सुग्राहिता का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला में लिखेंगे एन का वैल्यू, एन का मान या फेरों की संख्या बढ़ाने पर। दूसरा लिखेंगे क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर। तीसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर। यानी कि तीन ऐसा केस है जिसमें हम लोग धारा सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं, पहला फेरों की संख्या, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो आज तक की क्लास में हम लोग सिर्फ गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़े कि गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका बनावट कैसा होता है, उसका फिगर कैसा होता है, उसके सिद्धांत को देखें और उसमें जो धारा सुग्राहिता है उसको देखें। तो आज के क्लास में सिर्फ हम लोग गैल्वेनोमीटर को सीखे। अगले की क्लास में, चूंकि इस चैप्टर में मात्र और मात्र चार ही टॉपिक्स है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़े, फिर संट है, उसके बाद एमीटर है, फिर वोल्टमीटर है। तो आगे आने वाले क्लास यानी कि कल की क्लास में हम लोग संट के बारे में पढ़ेंगे कि संट हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी कि विद्युत के लिए कितना कामयाब है, वो भी एक तरह का डिवाइस है, एक मशीन है, और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका कैसा फिगर होता है, वो हमारे लिए क्या काम करता है, उसका कौन कौन सा गुण है,
तो इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। धन्यवाद।